नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, जो 4 बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुके हैं बाराबंकी क्षेत्र से। इन्होंने अपना पहला चुनाव सन 1989 में जीता था सांसदी के रूप में। सबसे बड़ी बात है कि राम सागर रावत जी अपनी साफ गोई और अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं, और नेताओं की तरह इनकी चमक दमक नहीं रहती है। राम सागर रावत जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में 2014 में मोदी जी सबके अकाउंट में 15 लाख रुपये भेज रहे थे। इस बार राहुल गांधी जी 72,000 रुपये हर महीने 6,000 के हिसाब से भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं? वो पैसा वो कोई अपने पास से तो देंगे नहीं, जनता का पैसा होता है, तो इस तरह से जनता को गुमराह करना कहाँ तक ठीक है? कांग्रेस के लिए ही हमने 3 दशक का राज जो है उद्धरण दिया है कि ये जो है प्रलोभन में जनता को फंसाए रखे, कुछ नहीं किया। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जैसा कि खुद आपने 15 लाख रुपए की बात की, बेरोजगारी की बात करी है, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारी दे दी, लेकिन कहीं कुछ नहीं। राम सागर जी, 4 बार सांसद रहना, 3 बार विधायक रहना, और अभी तक 17 बार बाराबंकी में लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं, लोकसभा के चुनाव, जिनमें 4 बार समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं, और इत्तेफाक की बात है कि 4 बार आप ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आप इसके बावजूद आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है जो एक बार विधायक बनने के बाद लोगों में हो जाता है? कहीं आपका कोई खाता तो नहीं स्विस बैंक में? देखिए, मैं बहुत अत्यंत गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। नहीं, लोग अमीर बन जाते हैं नेता बनने के बाद। नहीं, एक लेबर खानदान में पैदा हुआ हूँ, और राजनीति में आज के मानक बदल गए। पहले के मानक जब हम लोग राजनीति में आए थे, किसका अच्छा व्यवहार, कौन गरीबों की सेवा कर सकता है, कौन विकास करता है, ये मानक होते, तो ये तो ये राजनीति है। वो सुविधा का कोई वो नहीं है रास्ता, बल्कि सेवाओं का रास्ता है। आज भी समझ लीजिए कि जैसे पहले मेरे पास था तो गरीब थी, घर था, बंगला था, ग्रामीण प्रदेश हुआ थे, पहचान भी रहे हैं। कल राम सागर जी, हमारी बात हुई थी तनुज पूनिया जी से, जो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी काम हुआ है 2009 में, जब उनके पिताजी यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए थे, तो बोले कि उसी में काम हुआ, वही 5 साल में बाराबंकी बना। इसके पहले आप सांसद रहे हैं और अभी प्रियंका रावत जी रही हैं, बोले कि इन सब सारे कार्यकाल में ये लोग जीतने के बाद जनता के बीच में जाना छोड़ देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? उनके ऊपर भी कांग्रेस का असर है, कांग्रेस कल्चर को देते हैं, जैसे कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती रही है, उसे भी कर रहे हैं। ये सच जो है पीएम को मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन सांसद यहाँ इतने फर्जी चालों में अत्याचार हुए, गरीबों को सताया गया और भी तमाम सारी चीज़ें, लेकिन कभी हिम्मत से अधिकारियों के खिलाफ ये नहीं कहा कि नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो, कार्रवाई करिए, जांच कराइए। कभी जो है इसका गरीब लोगों से, गांव के लोगों से कोई लगाव नहीं रहा, और ये लगता कांग्रेस करता क्या उनसे। ये राम सागर जी, अगर आप इस बार चुन के आते हैं सांसद, तो आपका क्या सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी बाराबंकी जिले में, बाराबंकी की आम जनता जिससे लाभान्वित हो, ऐसा क्या आप करना चाहेंगे? देखिए, जिंदगी राजनीति हो या अन्य कोई हो क्षेत्र, ऐसा सफर है कि इसमें कितनों भी कुछ करो लेकिन बहुत सारा चीज़ अधूरा रह जाता है। और मैंने देखा बहुत सारे काम हमारी सरकार ने, हम लोगों ने कराया है, बहुत सारी चीज़ें अभी अधूरी हैं, और मौका मिलते ही हम उधर जाएंगे। राम सागर, आपने राजनीति का हर पड़ाव देखा है, 90 के दशक से आज 2019 चल रहा है। आपको क्या परिवर्तन राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव दिखता है? आप पहली बार सांसद 1989 में बने थे, आज 2019 है, और आपने राजनीति में एक बड़ी पारी खेली है काफ़ी साफ गोई से, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कहती है। तो आपको क्या बदलाव लगता है तब के चुनाव में, अब के चुनाव में? देखिए, पहले लोग जो कहते थे वो करते थे, और ऐसा नहीं करते थे तो राजनीतिक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाता था कि जो कहते वो करते नहीं।
लेकिन आज तो फैशनेबल हो गया है कि लोग कहते रहते हैं करते नहीं। हम लोग वो हैं जो कहते हैं करते हैं, और यही जो है हम लोगों को सरकार से भी अपेक्षा है कि जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे मायावती जी ने हमेशा दलित पिछड़े और गाँव का जो बात कही, जब थोड़ा समय आया तो उन्होंने कर दिखाया। ये कांग्रेस जी का है कि जो कहते हैं। बहन जी के साथ ये आने वाले विधानसभा में भी गठबंधन चलेगा? हाँ, लंबा चलेगा, रहा भी है। और मेरा तो सौभाग्य है कि जब मैं दूसरी बार जो है लोकसभा मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ ठीक किसी तरीके से बहन जी जब लोकसभा के सदन में थी उनके साथ भी काम करने को मिला, और ये जो है बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जो नेता से मिलकर के बसपा सपा के जुड़ के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा खैर लगेगा। आगे भी गठबंधन जारी रहे हम ऐसा मानते हैं, सोचते हैं। ये हमारे साथ राम सागर जी थे, 4 बार सांसद, 3 बार विधायक रह चुके हैं। आप इनकी शालीनता और इनकी जो है देख सकते हैं कि कितने जो है बिल्कुल चमक दमक से दूर आदमी एक बार विधायक होता है हर चीज़ आ जाती है, और ये एक लंबी पारी खेल चुके हैं राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद राम सागर जी। राम सागर जी की तबीयत आपकी थोड़ी सी खराब है, उसके बावजूद आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।